वेल हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एश के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास टाइप पोकेमोन के बारे में। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो हमारे नंबर 5 पर जो पोकेमोन आता है वो है बल्बसॉर। तो अगर तुम पोकेमोन फैन हो और बल्बसॉर को नहीं जानते तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम पोकेमोन फैन नहीं हो। जैसे जोकिंग गाइस, तो अभी बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ। तो बल्बसॉर कैंटो रीजन के स्टार्टर 3 पोकेमोन में से एक है और ये ग्रास टाइप पोकेमोन है। तो अभी बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं। पोकेमोन में पहली बार बल्बसॉर अपीयरेंस हुआ था पोकेमोन इन विलेज एपिसोड में। पहली बार एश ने जब बल्बसॉर को देखा था तो वो बहुत एक्साइटेड था बल्बसॉर को पकड़ने के लिए। ऐसा ही हुआ एपिसोड के एंड में, पिकाचू का बैटल हुआ बल्बसॉर के साथ और इस बैटल में पिकाचू की जीत हुई और एश ने फाइनली बल्बसॉर को पकड़ लिया। और पोकेमोन जर्नी के दौरान बल्बसॉर ने एश को बहुत से बैटल्स जिताए हैं, ऑरेंज लीग, पोकेमोन लीग, कैंटो रीजन, जोटो रीजन, और लास्ट टाइम हमें बल्बसॉर देखने को मिला था एडवांस बैटल में, जहां पर उसका मुकाबला हो रहा था ब्रैंडन के साथ। और बल्बसॉर ने ब्रैंडन के 2 पोकेमोन को हराया भी है, जो कि है डस्कलॉक और सोलरॉक। ओ, अभी बात करते हैं बल्बसॉर के अटैक्स के बारे में। लेजर लीप, वाइन बीप, स्लीप पाउडर, स्टन पोर, वर्लविंड, टैकल अटैक, लीप सीड, लीफ कटर। और ऐसे बल्बसॉर को एक ऐसा अटैक आता है जो कि किसी भी ग्रास पोकेमोन के लिए पॉसिबल नहीं है, जो कि है डिग अटैक। और बल्बसॉर का स्पेशल अटैक होता है सोलर बीन। तो ये बात करते हैं बल्बसॉर के विनिंग रेट्स के बारे में। तो बल्बसॉर का विनिंग रेट्स है 56%। तो हमारे नंबर 4 पर जो पोकेमोन आता है वो है टॉर्टेरा। तो टॉर्टेरा बिलोंग करता है जेनरेशन 4 से और टॉर्टेरा सिनोह रीजन के स्टार्टर 3 पोकेमोन में से एक है। और टॉर्टेरा एक ग्रास और ग्राउंड टाइप पोकेमोन भी है। तो अभी बेसिक चीजों पर बात करते हैं। तो पोकेमोन में पहली बार टॉर्टेरा का अपीयरेंस हुआ था पोकेमोन सिनोह रीजन एपिसोड 95 में। तो एश ने पहले टटवी को पकड़ा, जो कि एपिसोड 66 में जाकर ग्रोटल में इवॉल्व हो जाता है। और एपिसोड 95 में एश का ग्रोटल इवॉल्व हो जाता है टॉर्टेरा में। और एश की जर्नी में बहुत ही कम टाइम टॉर्टेरा ने बैटल किया है। और जब वो टटवीक था तब एश टटवीक को ज्यादातर टाइम यूज करता था, लेकिन तब उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा थी। लेकिन इवॉल्व होने के बाद टटवीक की स्पीड बहुत ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से टॉर्टेरा को बैटल्स में काफी ज्यादा डिसएडवांटेज होता था। बट ये बात तो सच्ची है कि टॉर्टेरा एश का एक स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास टाइप पोकेमोन है। तो अभी बात करते हैं टॉर्टेरा के स्ट्रॉन्गेस्ट मूव्स के बारे में। तो टॉर्टेरा के सबसे पावरफुल मूव्स है लेजर लीप, अर्थक्वेक, टैकल अटैक, बाइट अटैक, सिंथेसिस, बॉडी स्लैम, लेजर लीप और एनर्जी बॉल और लीफ स्टॉर्म। और टॉर्टेरा के 2 सबसे पावरफुल मूव्स है फ्रेंजी प्लांट और रॉक क्लाइंब। तो अभी बात करते हैं टॉर्टेरा के विनिंग रेट्स की। वैसे तो टॉर्टेरा ने जर्नी में बहुत ही कम बैटल किया है, बट फिर भी टॉर्टेरा का विनिंग रेट्स है जस्ट 20%। तो हमारे नंबर 3 पर जो पोकेमोन आता है वो है लिवानी। तो लिवानी बिलोंग करता है जेनरेशन 5 से और लिवानी इवॉल्व होने से पहले होता है सॉर्लून, जो कि बाद में इवॉल्व होकर बनता है लिवानी। और लिवानी एक स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास और बग टाइप पोकेमोन है। तो अभी बेसिक चीजों पर बात करते हैं। तो पोकेमोन एपिसोड में पहली बार लिवानी का अपीयरेंस हुआ था पोकेमोन ब्लैक एंड व्हाइट एपिसोड 51 में, जहां पर एश का बैटल हो रहा था बग टाइप जिम लीडर के खिलाफ। तो अभी बात करते हैं एश के लिवानी के बारे में। तो एश की जर्नी में लिवानी को एश ने बहुत बार बैटल्स में यूज किया है और लिवानी काफी मैचेस भी जीत चुका है। लिवानी एश का एक स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रास टाइप पोकेमोन भी है। तो अभी बात करते हैं लिवानी के अटैक्स के बारे में। तो लिवानी को बहुत से पावरफुल अटैक आते हैं, लीफ कटर, एनर्जी बॉल, स्ट्रिंग शॉट, एक्स सीजर, स्लैश। और लिवानी का एक स्पेशल अटैक भी है, जो कि है लीफ स्टॉर्म और सोलर बीन। तो अभी बात करते हैं लिवानी के विनिंग रेट्स की। वैसे तो पूरे सीजन में लिवानी ने बहुत कम मैचेस ही की है, लेकिन फिर भी लिवानी बहुत से मैचेस जीत चुकी है और लिवानी का विनिंग रेट्स परसेंटेज है 45%। तो हमारे नंबर 2 पर जो पोकेमोन आता है वो है बेलीफ। तो बेलीफ बिलोंग करता है जेनरेशन 2 से और बेलीफ जोटो रीजन के 3 स्टार्टर पोकेमोन में से भी एक है और ये एक ग्रास टाइप पोकेमोन है। तो अभी बेलीफ के बेसिक चीजों के बारे में बात करते हैं। तो पोकेमोन एपिसोड में पहली बार बेलीफ का अपीयरेंस हुआ था पोकेमोन एपिसोड 42 में, जब 3 रॉकेट एश पर हमला कर रहे थे, तब चिकोरिडा बेलीफ में इवॉल्व हुआ था। तो जोटो रीजन में एश ने बहुत से मैचेस में बेलीफ का यूज किया है और बहुत से बैटल में बेलीफ जीता भी है। और स्पेशल बात ये है कि बेलीफ एश को बहुत पसंद भी करता है। एनीवेज, तो अभी बात करते हैं बेलीफ के अटैक्स के बारे में। तो बेलीफ को बहुत से पावरफुल अटैक भी आते हैं, जैसे कि लेजर लीप, वाइन बीप, स्लीप पाउडर, स्टन स्पोर, स्वीट सेंस, सोलर बीन जैसे पावरफुल मूव्स बेलीफ को आते हैं। तो अभी बात करते हैं बेलीफ के विनिंग रेट्स की। तो बेलीफ के विनिंग रेट्स है 50%।
तो हमारे नंबर वन पर जो पोकेमोन है वो है सेप्टाइल। तो सेप्टाइल बिलोंग करता है जनरेशन 3 से, और सेप्टाइल पोकेमोन में पहली बार अपीयरेंस हुआ था पोकेमोन सीजन 8 में। तो ऐश ने सेप्टाइल को तब पकड़ा था जब वो ट्रीको था, और ट्रीको को पकड़ने के बाद वो सेप्टाइल में इवॉल्व हो जाता है। तो ऐश के सेप्टाइल ने जर्नीस में बहुत से बैटल्स भी किए है, इवन सेप्टाइल लेजेंडरी पोकेमोन डाकराय को भी हरा चुका है, जो कि सचमुच एक बहुत ही बड़ी बात है। तो अभी बात करते हैं सेप्टाइल्स के अटैक्स के बारे में। तो सेप्टाइल्स को बहुत से पावरफुल अटैक्स भी आते हैं, लाइक बुलेट सीड, लीप स्टॉर्म, लेजर लीप, टैकल अटैक और पाउंड अटैक, और स्पेशली सोलर बीन। और सेप्टाइल का एक पावरफुल अटैक आता है जो कि है लीप ब्लेड। तो अभी बात करते हैं सेप्टाइल के विनिंग रेट्स की। तो सेप्टाइल के विनिंग रेट्स है 66%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। सो गाइज, होप करता हूँ तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। सो मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू अगेन। और हाँ, कमेंट्स में जरूर से बताना कि तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।